Friends, how are you all? Welcome to my channel, Happy Gardening with Meha. I'm your gardener friend Meha. Friends, आज मैं अपने पॉटिला का प्लांट्स की मिट्टी को थोड़ा सा ठीक कर रही थी बिकॉज बहुत टाइम से मैंने इनको थोड़ा सा ही मेंटेन नहीं किया है. वैसे तो ये एक लो मेंटेनेंस प्लांट है, आपको बहुत ज़्यादा से केयर नहीं करनी पड़ती. प्लस इसकी जो रूट्स होती हैं वो शेलो होती है, तो अगर आपके पास कोई छोटा सा पॉट भी है तो उसमें आप इसको लगा दीजिए, बहुत अच्छे से चलेगा. एंड ये बहुत फैलता है तो आप इसको कटिंग से बहुत आराम से लगा सकते हैं. आप इसकी कोई भी कटिंग लीजिए और उसको लगा दीजिए, ये बहुत फैलता है. मैं थोड़ी सी कटिंग से इसको लगाया था, बट अगर अभी आप देखो, लुक एट दिस, मेरे पास बहुत सारे सब पॉट्स हैं, मेरे पास पॉट चला कर लगाया हुआ है. बट टुडे आई जस्ट थॉट कि इसकी थोड़ा सा अब मुझे मिट्टी ठीक करनी चाहिए एंड थोड़ा सा ये मैसी सिचुएशन में है, सो थोड़ा सा मैं इसकी सॉइल को ठीक करूँगी एंड इसको वापस पॉट के अंदर शिफ्ट करूँगी ताकि ये देखने में थोड़ा सा बेटर हो जाए, प्लस इसकी सॉइल को थोड़ा सा न्यूट्रिशन मिल जाए. सो वीडियो का एंड तक देखिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि आपको मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे. तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो. फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हो, मैं आपको क्लोजर लुक दिखाती हूँ, कितना सारा पॉर्टुलुका है मेरे पास. बट अभी बहुत टाइम से मैंने इसकी मेंटेनेंस नहीं की है जिसकी वजह से देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है. वैसे तो एक बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है एंड इसको बहुत ज़्यादा केयर नहीं चाहिए, बट अभी अगर आप देखें इसकी मिट्टी काफ़ी ख़राब हो रही है. बहुत टाइम से ना तो मैंने इसकी मिट्टी की गुड़ाई की है, ना ही मैंने इसकी कुछ ट्रिमिंग की है. तो आज मैं इस प्लांट को थोड़ा सा इस पर काम करूँगी ताकि इसका लुक देखने में बहुत सुंदर हो जाए. एंड एक बार इनको रिपोर्ट करने के बाद एक बार मैं आपको दिखाऊंगी कि ये देखने में अब कैसे लग रहे हैं. अगर आप देखोगे ना, इसकी जो रूट्स हैं काफ़ी ऊपर आ गई हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से अंदर की तरफ नहीं लगी हुई हैं. सो अभी जब हम इसको पॉट से बाहर निकालेंगे एंड जब दोबारा से हम इसको पॉट के अंदर शिफ्ट करेंगे तो हम इसको थोड़ा सा अंदर इसकी रूट्स करके इसको लगाएंगे. बिकॉज होता क्या है कि जब ये हैंगिंग पॉट से थोड़ा सा टेढ़े होके अगर आप ग्रिल पे लगा रहे हो तो लगता है, और जिसकी वजह से पानी इसमें से नीचे गिरने के चांसेस रहते हैं. सो अगर स्पेस अच्छा होगा तो पानी नीचे नहीं गिरेगा एंड प्लांट ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेंगे. जैसे कि मैं आपसे बोल रही थी, आपको दिखा देती हूँ, अगर आप देखो ना, इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा डीप नहीं होती हैं, यू नो, बहुत अंदर तक इसकी रूट्स नहीं जाती हैं. तो अगर आपका कोई भी छोटा सा पॉट है आपके घर में तो आप उसमें बहुत आराम से इसको लगा सकते हैं, ये आराम से उसमें भी ग्रो कर जाएगा. तो अभी मैं सारे पॉट्स में से जितनी भी मिट्टी है वो बाहर निकाल रही हूँ ताकि उसकी मिट्टी को मैं ठीक कर सकूँ एंड वापस ये पॉट लगाकर अपने प्लांट पॉट के अंदर शिफ्ट कर सकूं एंड ताकि ये बहुत अच्छे से ग्रो करे एंड इस पर फ्लावरिंग बहुत अच्छे से हो. सो फ्रेंड्स, फाइनली आप देख सकते हो मैंने इसको पूरा बाहर निकाल लिया है एंड आप देख सकते हैं कितनी सारी पॉट लुका है, कितना सारा ह्यूज कलेक्शन है. बट ये बहुत अच्छे से पॉट में नहीं लगी हुई थी तो इसको आज मैं थोड़ा सा ठीक करूँगी. एंड अगर आप देखो इसकी रूट्स कितनी छोटी हैं, यू नो, तो बहुत ज़्यादा इसकी डीप रूट्स नहीं होती. सो अभी जब मैं इसको वापस पॉट्स में लगाऊंगी, सो मैं इसको बहुत ज़्यादा, यू नो, सॉइल ऊपर तक नहीं लगाऊंगी, थोड़ा सा इसको नीचे रखूंगी, सॉइल को थोड़ा कम सॉइल इसमें रखूंगी ताकि पानी जब भी हम डालें वो, क्योंकि इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही थी, पॉट्स में से मिट्टी निकल चुकी थी एंड जो पानी वो बाहर आ रहा था. सो अभी जब मैं इसको ठीक करूँगी तो मैं इस बात का ध्यान रखूँगी कि मैं इसमें इतना स्पेस छोड़ूँ कि जब पानी डालें तो वो सिर्फ इसका नीचे से जो इसमें होल होता है वहीं से बाहर आए, ऊपर की तरफ से बाहर ना आए. सो अभी मैं इसके अब पूरी की पूरी पॉर्टुलिका को इसको मेरे को सॉइल में से अलग करना है एंड उसके बाद मैं इसकी सॉइल को थोड़ा सा ठीक करूँगी बिकॉज बहुत सारे पॉट्स हैं मेरे पास लगी हुई थी एंड बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि इसको ठीक करते हैं बट मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था. बट टुडे आई जस्ट थॉट कि चलो आज इसको कर ही देती हूँ वरना ये ऐसे ही रह जाएगी. तो सारी की सारी जो है मैं ये बाहर निकाल लूँगी मिट्टी में से ताकि इसकी जो भी रूट्स में जो भी पुरानी सॉइल है वो सब हट जाए एंड फिर इसकी सॉइल में थोड़ा सा मैं वर्मी कंपोस्ट मिलाऊँगी ताकि इसकी सॉइल को जो भी न्यूट्रिशंस की ज़रूरत है पूरी हो जाए एंड फिर इसको वापस से हम पॉट में डालेंगे.
फ्रेंड्स लुक एट दिस, मैंने सारी की सारी पोर्चलाका बाहर निकाली। अगर आप देखो मेरे पास कितना ह्यूज कलेक्शन है पोर्चलाका का, एंड ये काफ़ी हेल्दी भी है। बट अभी मैं इसकी सॉइल में थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट मिक्स करूँगी, बिकॉज बहुत टाइम से इसकी सॉइल कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिले हैं, तो सॉइल की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। इवन कहीं कहीं पर तो सॉइल में यू नो जो नीचे की तरफ थी उसमें काई भी जमी हुई है। सो मुझे नहीं लगता है कि मुझे इतनी सारी अभी सॉइल की ज़रूरत है, तो जितनी सॉइल मुझे चाहिए मैं अलग कर लूँगी। एंड उसमें मैं अभी थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट मिक्स करूँगी, एंड उसके बाद मैं वापस इसको पॉट के अंदर शिफ्ट करूँगी। फ्रेंड्स अभी आप देखोगे ना, मैंने ही नया पॉट लाई थी, बिकॉज बहुत ज़्यादा मेरे पास पॉट्स लाकर, बिकॉज ये फैलती बहुत है। सो आई जस्ट थॉट कि छोटे छोटे अलग अलग पॉट्स में लगाने से बेटर है कि मैं इसको एक बड़े पॉट में शिफ्ट कर दूँ। बट इस पॉट में कोई भी होल नहीं है, तो सबसे पहले हमें इस पॉट के अंदर एक होल बनाना पड़ेगा, ताकि जो भी एक्स्ट्रा वाटर हो वो इसमें आराम से बाहर निकल जाए। जब भी आप कोई प्लांट लगाते हो, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि आपके पॉट में प्रॉपर होल होना चाहिए, वाटर ड्रेनेज होना चाहिए, बिकॉज अगर पानी रुकेगा तो कोई भी प्लांट हो वो ख़राब हो जाता है। और पोर्चलाका को तो वैसे भी बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, ये कम पानी में बहुत आराम से सर्वाइव करती है। तो अभी आप देखो मैंने ना इसमें होल बना दिया, जिससे कि पानी अगर कोई भी इसमें एक्स्ट्रा इकट्ठा हो जाए तो बाहर निकल जाए। एंड अब हम इसके अंदर इस सारी की सारी जो हमारी पोर्चलाका है इसको शिफ्ट कर देंगे। अब मेरे पास ना वर्मी कंपोस्ट है, एंड मेरे को पूरी सॉइल नहीं चाहिए, तो जितनी सॉइल मुझे चाहिए उतनी में ही मैं इसके अंदर ये वर्मी कंपोस्ट को मिला लूँगी, बिकॉज जिससे कि ये काफ़ी अच्छे से इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाएगी। जो भी सॉइल में थोड़ा सा न्यूट्रिशन वैल्यू कमी हो रही पूरी हो जाएगी, एंड जो प्लांट है वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और हेल्दी रहेगा। वर्मी कंपोस्ट के ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूँगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। एंड आप अपने ये बहुत एक सेफ कंपोस्ट होती है, सो वंस इन ए मंथ आप बहुत आराम से अपने प्लांट्स को वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, जिससे कि आपके प्लांट्स बहुत हेल्दी रहते हैं। अब इसके बाद हमने इस मिट्टी को इस पॉट के अंदर शिफ्ट कर देना है, जिससे कि यू कैन सी कि मैंने इसमें एक लेयर पूरी सॉइल की इसमें कर ली है। एंड इसके बाद जो भी आप बिकॉज आप देख सकते हैं मेरे पास ना काफ़ी बड़ी हो गई है जो मेरी पॉट्स लगा है, बिकॉज बहुत टाइम से मेरे पास है, ये काफ़ी बड़ी हो चुकी है। सो हम इसको इस पॉट के अंदर लगा देंगे, ताकि ये बहुत अच्छे से ग्रो कर सके। बड़ी बड़ी मेरी रूट्स हैं, पहले मैं उनको लगाऊंगी, ताकि अगर बाद में कुछ छोटी रूट्स बच भी जाएंगे तो वो मैं छोटे पॉट में भी शिफ्ट कर सकती हूँ। लुक एट दिस गाइस, कितनी ज़्यादा ये बड़ी हुई हुई है, बहुत बड़ी हो चुकी है। सो फ्रेंड्स फाइनली इट्स डन, एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। अब मैंने इसको एक बड़े पॉट में शिफ्ट कर दिया, बिकॉज पहले बहुत सारे छोटे छोटे पॉट्स में लगी हुई थी, एंड जब इसमें फ्लावर्स आएंगे तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगी। फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लेट्स डू हैप्पी गार्डनिंग विद मेहा, बाय, टेक केयर।